आज जो हमारा टॉपिक है वो है बेसिकली रॉक कट केव से ही रिलेट करता है, लेकिन जो इम्पॉर्टेंट केव्स हैं अजंता एंड एलोरा केव्स उनके बारे में आज हम पढ़ेंगे। वैसे तो बहुत से केव्स हैं जिनकी डिस्क्रिप्शन मैं आपको नेक्स्ट वीडियोस में भी देती रहूँगी, लेकिन आज इम्पॉर्टेंट है अजंता एंड एलोरा केव्स के बारे में मैं आपको बताऊँगी। तो अगर हम अजंता केव्स देखें तो सबसे पहले जब भी आप केव्स के बारे में पढ़ते हैं तो एक पूरी डिस्क्रिप्शन बना लीजिए, एक पूरा एक सिलेबस जो है वो अपने माइंड में रख लीजिए कि उसमें पढ़ना क्या है, जैसे कि इनका स्ट्रक्चर क्या है, लोकेशन क्या है, फीचर्स क्या है, को फेजेस क्या है। तो इस तरीके से आपको इन केव्स को पढ़ना जो है वो इजी हो जाएगा। डोंट ट्राई टू क्रैम दिस केव्स, ट्राई टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट्स ऑफ दिस केव्स, ठीक है। तो आज हम स्टार्ट करेंगे अजंता केव्स से। तो अजंता केव्स जो है अगर हम उनका स्ट्रक्चर देखें तो वो रॉक कट केव्स है। रॉक कट केव्स का मतलब क्या है कि रॉक्स के अंदर जो है वो स्ट्रक्चरली रॉक्स को क्या किया गया है कि उनके आर्किटेक्चरली उनको इस तरीके से डिजाइन किया गया कि रॉक्स को कट करके उनके अंदर जो है वो केव्स बनाई गई हैं। रॉक कट केव्स के ऊपर एक पूरी वीडियो हमने बनाई थी, आप मेरी जो लास्ट वीडियोज है उसमें आप देख सकते हैं, उसमें रॉक कट केव्स पे पूरी वीडियोज हैं। तो सबसे पहले कि जो अजंता केव्स है वो रॉक कट केव्स है। सेकंड, ये लोकेटेड कहाँ पे हैं? तो ये औरंगाबाद जो शायादरी रेंजेस हैं वहाँ पे लोकेटेड हैं, महाराष्ट्र में। नेक्स्ट, कई बार रिवर्स के बारे में, क्योंकि ये ज्योग्राफी के साथ भी रिलेट, आर्ट एंड कल्चर में तो है ही ये, लेकिन ज्योग्राफी के साथ भी इसको रिलेट करके पूछ सकते हैं कि ये जो केव्स है ये किस रिवर पे, तो आंसर इज ये बघीरा रिवर जो है उसके ऊपर लोकेटेड है। उसके बाद आता है इसकी स्पेसिफिकेशन। स्पेसिफिकेशन का मतलब ये है कि कितने ये नंबर ऑफ केव्स कितनी हैं। तो ये टोटल 29 केव्स है। बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है कि अजंता केव्स कितनी हैं टोटल, तो टोटल 29 है, जिसमें 25 विहार्स हैं, विहार्स और 4 चेत्यास है। विहार्स और चेत्यास क्या है इसके ऊपर भी हम एक बहुत इलेबोरेटिव वीडियो जो है वो ऑलरेडी जो है हम बना चुके हैं। यहाँ पे आप सिंपल याद रखिए कि 25 विहार्स का मतलब हो गया रेजिडेंशियल क्वार्टर्स, जहाँ पे बुद्धिस्ट मॉन्क्स या जैनिस्ट मॉन्क्स या ब्राह्मणिकल मॉन्क्स जो थे वो रहते थे। फोर्थ आ गया फोर्थ जो है वो चेत्यास। चेत्यास मतलब प्रेयर हॉल्स हैं, यानी जहाँ पे बुद्धिस्ट मॉन्क्स जो थे वो क्या करते थे, वहाँ पे वो लोग प्रेयर करते थे। ये जो स्पेसिफिकेशन है ये सिर्फ बुद्धिज्म से रिलेटेड है, क्योंकि ये सारी केव्स जो है वो डेडिकेटेड है बुद्धिज्म को। वो फेजेस क्या है वो मैं आपको बाद में बताती हूँ। सिंपल आप ये याद रख लो कि अगर आपको फर्दर स्पेसिफिकेशन देखनी है तो ये जो 4 चेत्यास केव है ये केव नंबर 9, 10, 19 और 26 जो है वो चेत्यास है। अब आ जाते हैं कितने फेजेस में अजंता केव्स जो है वो डेवलप हुई हैं। तो फेजेस जो है वो 2 इंपॉर्टेंट फेजेस हैं। फर्स्ट फेज में ये 2nd बीसी से लेके 1st सेंचुरी एडी तक डेवलप हुई थी, और रूलर्स जो थे वो उस टाइम पे सतवाहनास रूलर्स थे। तो सतवाहनास के अंदर जो है ये केव्स जो थी वो डेवलप हुई थी। और इस केव्स की जो बेसिकली क्या होता था कि बुद्धा जो है वो हमेशा से ही उनको पसंद नहीं था कि इमेजेस की फॉर्म में जो है वो किसी को मतलब लाइक आइडल वर्शिप को वो उतना फॉलो नहीं करते थे, या उनको पसंद नहीं था आइडल्स बनाना। तो इसीलिए इस फेज में ज़्यादातर बुद्धा के सिंबल्स जो हैं उनको रिप्रेजेंट किया गया है डिफरेंट डिफरेंट पेंटिंग्स के थ्रू। तो ये केस फर्स्ट फेज में सिर्फ सिंबल्स को रिप्रेजेंट करती है, जैसे बुद्धा के करमंडल, उनके हेयर्स होंगे, उनका करमंडल होगा, उनके जो साइंस होते हैं बुद्धिज्म के, तो उनके थ्रू रिप्रेजेंट किया गया है। और ज़्यादातर ये केव्स जो हैं वो हिनयाना फेज है, यानी हिनयाना से इनको बनाया है। बुद्धिज्म में 2 सेक्ट्स हैं हिनयाना, वैसे तो एक और है वज्रयाना, लेकिन 2 इंपॉर्टेंट सेक्ट जो हैं वो हिनयाना एंड महायाना हैं। तो हिनयाना वो हैं जो बुद्धा को ऐसे गुरु जो हैं वो मानते हैं और वो उनकी आइडल वर्शिप नहीं करते। तो अगर उन मॉन्क्स ने ये बनाया है तो ऑब्वियसली ज़्यादातर डिपिक्शन यहाँ पे क्या होगी, सिम्बल्स की डिपिक्शन होगी। सेकेंड फेज में जब ये 5th सेंचुरी एडी से 6th सेंचुरी एडी तक डेवलप हुई, उस टाइम पे ये वकातकास जो थे, जो वकातका रूलर्स थे, गुप्तास के साथ साथ वकातकास रूलर्स भी थे, उनके अंडर ये डेवलप हुई थी। और ज़्यादातर इस टाइम पे मॉन्क्स जो थे उन्होंने इन केव्स को बनाया था, और वकातका रूलर हरी सिन्हा के अंडर ये जो केव अजंता केव जो थी वो डेवलप हुई थी। और
और थोड़ी सी कंट्रीब्यूशन यहाँ पे चोलक्याज रूलर्स की भी है कि चोलक्याज रूलर्स ने भी यहाँ पे जो है वो पार्टिसिपेट किया था, उनके पेट्रोनेज के अंदर भी ये जो केव्स थी वो बनाई गई थी। अब ये महायान केव्स थी, महायान का मतलब हो गया कि वो बुद्धिस्ट सेक्ट जो बुद्धा को बुद्धा की आइडल वर्शिप करते हैं, तो दैट मीन्स कि अब इस फेस में आइडल्स जो थी वो डिपिक्शन उनकी जो थी वो आ गई थी। अब आ जाता है रेफरेंस कि हमें इन केव्स के बारे में कहाँ से पता चलता है। वैसे तो केव्स जो हैं वो अभी भी एग्जिस्टेड हैं, लेकिन ज़्यादातर हमें जो चाइनीज ट्रेवलर फाहीन और ह्यून सिंह जो हैं उनकी बुक्स में से या उनके वर्क्स में से हमें इन केव्स की डिपिक्शन के बारे में पता चलता है। अब आ जाता है इसके फीचर्स क्या हैं। तो अगर हम देखें तो ये सारी केव्स जो हैं वो डेडिकेटेड है सिर्फ एक ही रिलीजन को, एंड दैट इज़ बुद्धिज़्म। दूसरा, इनमें पेंटिंग्स कौन सी हैं, तो पेंटिंग्स जो हैं वो फ्रेस्को पेंटिंग इसमें यूज़ की गई हैं। फ्रेस्को पेंटिंग जो है वो कॉम्बिनेशन होता है क्ले, राइस हस्क और उसके साथ साथ काउडम, मतलब इन सब का मिक्सचर जो है वो पेंटिंग्स के लिए यूज़ किया जाता था, तो उसको हम फ्रेस्को पेंटिंग्स कहते हैं। और मूरल पेंटिंग्स थी, मूरल मतलब जो लार्ज वॉल पे जो पेंटिंग्स बनाई जाती हैं उनको मूरल कहते हैं। वैसे पेंटिंग्स पे भी नेक्स्ट वीडियोस जो आएंगी जितनी भी आर्ट एंड कल्चर में, उसमें पेंटिंग भी मैं आपको बताऊंगी। यहाँ पे आप सिंपल समझ लीजिए, जो पेंटिंग्स जो रॉक वॉल्स में बड़ी बड़ी वॉल्स में की जाती है उनको फ्रेस्को पेंटिंग्स कहते हैं, उसके सॉरी मूरल पेंटिंग्स कहते हैं। उसके अलावा इम्पॉर्टेंट चीज़ ये थी कि रेड कलर का काफ़ी यूज़ होता था और ब्लू कलर टोटली एब्सेंट था। और ये क्वेश्चन पूछ चुके हैं कि अजंता केव्स में कौन सा कलर है जो एब्सेंट रहता है, तो आंसर इज ब्लू कलर। और 1983 में यूनेस्को ने इसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट में जो है वो इंक्लूड किया है। तो दिस इज ऑल अबाउट योर अजंता केव्स। नाउ कम्स टू एलोरा केव्स। सिमिलरली हम इसको भी पढ़ेंगे कि एलोरा केव्स का जो स्ट्रक्चर है क्या है। ये इट इज़ अ रॉक कट केव्स और इसकी लोकेशन जो है दैट इज 100 किलोमीटर अवे फ्रॉम शयाद्री रेंजेस, यानी जहाँ पे अजंता केव्स हैं वहीं वहाँ पे 100 किलोमीटर उससे दूर जो है वो एलोरा केव्स हैं। इसकी स्पेसिफिकेशन ये है कि ये 34 केव्स हैं, जिसमें से रिलीजन की अगर हम बात करें तो रिलीजियस इन्फ्लुएंस वहाँ उस टाइम के एग्जिस्टेड तीनों रिलीजन जो थे वो इन्फ्लुएंसिव थे, जिसमें ब्राह्मणिकल केव्स जो हैं वो 17 हैं, बुद्धिस्ट केव्स जो हैं वो 12 हैं और जैनीज केव्स जो हैं वो 5 हैं। इन टोटल ये 34 केव्स हैं। फर्स्ट से लेके 12 तक जो हैं वो महायाना बुद्धिस्ट केव्स हैं, 13 से लेकर 29 ब्राह्मणिकल केव्स हैं और 30-34 जैनिज्म जो है उनसे बिलोंग करता है। अब ये हमें कैसे पता चलता है कि जो अंदर केव्स की जो पेंटिंग्स हैं वो क्या डिपिक्शन देती है, वहीं से पता चल जाता है कि ये पेंट ये जो केव्स हैं ये किसको डेडिकेटेड है। अगर ब्राह्मणिकल केव्स होंगी तो रामायण की डिपिक्शन होगी, शिवा पार्वती विष्णु इन सब की डिपिक्शन। अगर बुद्धिस्ट है महायाना केव्स हैं तो ऑब्वियसली बुद्धा की जो काफ़ी जटाका स्टोरी जो दास की जो बर्थ स्टोरीज हैं उनके बारे में होगा। जैनीज हैं तो महावीरा तीर्थंकर के बारे में होगा। ठीक है, नेक्स्ट आ गया इसका टाइम ऑफ डेवलपमेंट क्या है। तो ये केव्स 5th से 11th सेंचुरी एडी के बीच में डेवलप हुई है। तो बहुत बार ये क्वेश्चन पूछ चुके हैं कि न्यूअर वन कौन सी है, मतलब अजंता है या एलोरा है। तो दैट मीन्स कि जो न्यू वन है वो एलोरा है, पहले अजंता बनी है केव्स और फिर एलोरा केव्स बनी है। उसके बाद आता है कि इनको बनाया किसने है, तो ये केव्स ज़्यादातर गिल्ड्स जो थे, गिल्ड्स के जो मेंबर्स होते थे उन्होंने इनको बनाया। गिल्ड्स बेसिकली ट्रेड यूनियंस को बोलते हैं। एंशियंट हिस्ट्री में गिल्ड्स का बहुत बड़ा कंसेप्ट है, वो मैं आपको वहीं पे बताऊंगी। सिंपल आप याद रख लीजिएगा कि अभी जो जैसे ट्रेड यूनियंस होती हैं वैसे उस टाइम पे गिल्ड्स बोलते थे उनको। तो विदर्भा, विदर्भा मतलब आज का मुंबई, कर्नाटका और तमिलनाडु, यहाँ के जो गिल्ड एसोसिएशंस होती थी उन्होंने इन केव्स को बनाया था। और इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट जो है वो है केव नंबर 16। केव नंबर 16 बेसिकली कैलाशनाथ टेम्पल, हम यहाँ पे ये केव जो है वो कैलाशनाथ टेम्पल को डेडिकेटेड है, जिसको राष्ट्रीय कुटाज रूलर्स ने बनाया था। और ये जो नाम है ये बेसिकली जो कैलाश शिवा, जहाँ पे अबोर्ड ऑफ शिवा जिसको माना जाता है कैलाश, वहाँ से इंस्पायर्ड था। और इसमें जो पेंटिंग्स थी शिवा की तो थी, उसके अलावा दुर्गा स्लेइंग महिषासुर,
तो ये एक डेमन और गॉड की स्टोरी है, दुर्गा और महिषासुर की, वो डिपिक्शन है। इसके अलावा इसकी जो पेंटिंग्स के जो फीचर्स हैं वो सिमिलर फीचर्स हैं जो कि अजंता के हैं, यानी फ्रेस्को पेंटिंग्स होंगी, मुरल पेंटिंग्स होंगी। लेकिन यहाँ पे हिंदू गॉड एंड गॉडेसेस को बहुत इंपॉर्टेंस दी गई है, और लक्ष्मी बॉर्न आउट ऑफ क्लाउड बाय ए गरुड़, तो लक्ष्मी की और विष्णु की पेंटिंग्स जो हैं वो भी आपको यहाँ पे दिखेंगी। तो ये सारी जो फीचर्स और स्पेसिफिकेशन जो थी वो अजंता और एलोरा केव्स की थी। बाकी और भी केव्स हैं जो हम नेक्स्ट वीडियोस में मैं आपको बताती रहूँगी। थैंक यू।